शिशु गोलीकांड मामले में मुख्य आरोपी ने पुलिस के दबिश के बाद किया सरेंडर। बिहार के सिवान से इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान में बहन की शादी के कार्ड बांटने जाने के दौरान भाई को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार अपराधियों की पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। जिसके बाद पुलिस के दबिश के बाद मुख्य आरोपी आदित्य ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पूरी घटना बताते चले कि दरौंदा महाराजगंज मुख्य मार्ग के दरौंदा जंक्शन के पश्चिमी रेलवे फाटक के समीप गोली मारने के मामले में घायल के पिता के बयान पर एक नामजद समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राजेंद्र यादव, जो थाना क्षेत्र के उजाए गांव के निवासी, ने कहा था कि 7 जुलाई को उनके पुत्र अंशु कुमार और नीतीश कुमार राम बाइक से उनकी बेटी की शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे। जब वे दरौंदा जंक्शन के पश्चिमी रेलवे फाटक के पास पहुंचे तो छोटे यादव के पुत्र आदित्य यादव ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अंशु पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। पहली गोली अंशु से बच गई, लेकिन दूसरी गोली उसके मुंह के दाईं ओर लगी। इसके बाद अंशु को दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को गंभीर बताते हुए सिवान रेफर कर दिया। सिवान में भी इलाज बेहतर नहीं हो पाया तो उसे पटना PMCH भेज दिया गया था। घटना के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन आदित्य पुलिस के हाथ नहीं लगा। लेकिन पुलिस के दबिश के बाद आज आदित्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस घटना के संबंध में महाराजगंज SDPO राकेश कुमार रंजन ने बताया कि घायल पिता के बयान के पर थाना कांड संख्या 299/2024 के तहत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एक नामजद और दो अज्ञात नाम था। वहीं पुलिस के दबिश के कारण मुख्य आरोपी आदित्य ने आज सरेंडर कर दिया। देखिए, लगातार जिस तरह से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाएगा। इस पर चाहिए कि प्रशासन को किसी भी मामले में त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आगे ऐसी घटना ना घट सके। तो आपको फिर से ये बता दें कि बिहार के सिवान से इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान में बहन की शादी के कार्ड बांटने जाने के दौरान भाई को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार अपराधियों के पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। जिसके बाद पुलिस दबिश के बाद आज मुख्य आरोपी आदित्य ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मुख्य आरोपी दरौंदा थाना क्षेत्र के उजाए गांव के छोटी यादव के पुत्र आदित्य कुमार के रूप में हुई थी।